यहाँ पर हम सब जो उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले चैतन्य महोत्सव में स्वामी जी ने हमें बताया था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हम परमात्मा की खोज दर बदर करते हैं, तो कबीर साहब का ये वजन है। साहब कबीर ने स्पष्ट बताया है कि सही अर्थ में परमात्मा कहाँ और हम कहाँ खोज रहे हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम ये जाने। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं
चिंतन के मौसम के बाद ये
ध्यान में आई तो दूसरी बात बदलने जा रहे हैं। बाबा तुझे मिलने का सदसंगी बहाना है, स्वामी तुझे मिलने का सदसंगी बहाना है, बाबा तुझे मिलने का सदसंगी बहाना है।
Bye.
हेलो बोलिए तो आप लोग हेलो हेलो ये जो गा रहे हैं उनके शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं तो जो यहाँ से गा रहे हैं भजन के शब्द क्लियर सुनाई दे रहे हैं आप सबको ये स्पीकर में ये क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ अभी साउंड स्लो है ऐसा आप बोलिए तो इसलिए ऐसा हो ना तो क्या है हम रात भर भजन करते रह गए गुजराती में कहो छे के ढोणा में दूध जवू જોઈએ છે છે કોલી કોળો ઈ કોણ આવી હોય તો ચાલશે કબૂલ ભાઈ સેટ કરાવો ઈ કોણ આવી હોગા તો ચલેગા કે હોલ કે વજે છે શાયદ વો વાપસ આવેગા તો આપ તો બોલીએ થોડા પડા દીજે યહાં સે મેં જો બોલ રહા હું वो आपको स्पष्ट सुनाई दे यानी क्लियर समझ में आए तो आप ऐसे हाथ करना ठीक है। यहाँ पे गुजरात के कितने लोग हैं? गुजरात के वो मोदी संख्या भाई भाई आम आदमी भावनगर ना कहना भावनगर बाबा सीताराम राजकोट ना राजकोट प्रॉपर સુરત સુરત ના સાબેતા ફર્સ્ટ ટાઈમ આયો મુંબઈ મે બોલે મેરે કો થોડા કન્ફ્યુઝન હો રહા હે પહેલી વાર મુંબઈ જાને કો મિલ રહા હે લેકિન હિંમત બુલા કે આ ગયે ઠીક હે સર બાકી સબ કે હા મુંબઈ સે હે યા કોઈ રાજસ્થાન સે હે ક્યા કચ્છ પુરણી સે હે સર અચ્છા કચ્છ કે કિતને લોગ હે યહાં પે ઓ હો हेलो हेलो बोलिए मापा हेलो हेलो थमड़े से बराबर चोखू क्लियर आप बोलो ये समझे से बराबर समझे से बराबर क्लियर रेडी है सेटिंग कराओ ना उनके लाभ सेटिंग कराई थी गाड़ी में से नीचे उतरे तो बोले डायरो आ गए
और फिर हमारे साथ में जो लेडीज कलाकार थे बोले डायरा के साथ डायरी भी है, वो हमको डायरा समझे तो इनको डायरी समझ रहे बोले। फिर मैंने भजन में क्लियर किया कि डायरा हम नहीं है, हमारे सौराष्ट्र में, गुजरात में, कच्छ में, काठियावाड़ में जो भजन का प्रोग्राम होते हैं उस भजन के प्रोग्राम को डायरा संत वाणी ऐसा नाम देते हैं, कहते हम डायरा और ये डायरी नहीं है। हाँ, तो ऐसा है, इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी डायरा यानी क्या। और बंबई के अंदर सबसे पहले हमारी एंट्री हुई तो हमारे श्रद्धा व्यास के माध्यम से हुई थी, तो पिछले अनुष्ठान के बाद थाने में ऐसे वर्धा मंदिर का कार्यक्रम था और श्रद्धा बेन दांडी की पवित्र भूमि जो हमारे आश्रम की है वहीं पर भी उन्होंने शुभ संकल्प लिया था, एक बार इनको वहां पर बुला लेता है बॉम्बे में, और हमारे दांडी आश्रम में जो भी उद्देश्य संकल्प लिया जाता है वो गुरु कृपा में पूर्ण होता है, सबका अनुभव है। और गुजरात के काफी शहरों में आज ये भजन का डायरा का कार्यक्रम हो रहा है, उनमें से 70% जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो ये स्त्री शक्तियों के माध्यम से ही हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और शायद सभी ऐसी शादिकाएं जिन्होंने अनुष्ठान के दरमियान हमारे दांडी के आश्रम में शुभ संकल्प शुभ प्रार्थना की हुई है, ऐसा डायरा का भजन का प्रोग्राम हमारे गली पर भी, हमारे गाँव में, हमारे शहर में भी हो, तो ये स्त्री शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे स्वामी जी भी कहते हैं, और इनके माध्यम से ही हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं और हमको गुरु कार्य करने में एक चांस मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और गुरुदेव ने भी डायरा भजन के कार्यक्रम के लिए इस टीम को अधिकृत किया है, और जब गुजरात में सभी जगहों में कार्यक्रम हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अभी कच्छ में जो पिछली गुरु पूर्णिमा हुई है कितने लोग थे वहां पे, आज गुरु पूर्णिमा कच्छ की जो हमारी पिछली गुरु पूर्णिमा अच्छा तो ज्यादा संख्या में है, तो वहां पे भी हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में लास्ट दिन जो था उसमें गुरुदेव ने सबके लिए ओपन दर्शन रखा था, साधक हो नॉन साधक हो सभी लोग उसमें आ सकते हैं दर्शन के लिए। तो पूरे कच्छ में ये भजन डायरा के माध्यम से हमने प्रचार किया था कि आप सभी यहाँ पे आइए, आपके पास में आश्रम है और हिमालय के परम सिद्ध योगी संत शिरोमणि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए आप सब आइए, और बहुत ही अच्छा ये प्रचार का माध्यम सिद्ध हुआ। तो बोलिए बाबू हमारे गड़ू कैसे हेलो 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 ये कौन है आपका चांस है बोलिए बाबू हेलो, और बहुत ऐसी अच्छा माध्यम रहा प्रचार प्रसार का, क्योंकि समाज के अंदर ध्यान मेडिटेशन का हम प्रचार करने जब जाते हैं तो ध्यान मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन डायरा भजन देवा जो काठियावाड़ी हो सौराष्ट्रना डायरा के माध्यम से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, जब हमने कच्छ में प्रचार किया भूज में गांधीधाम में और जो बड़े बड़े शहर थे बड़े बड़े गाँव थे वहां पे डायरा का कार्यक्रम आयोजित किया तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था रात को, और उसी डायरा के अंदर हम भजन के साथ साथ अपने समर्पण ध्यान का परिचय लोगों को करवाते थे, समर्पण आश्रम का, गुरु शक्ति धाम का, मंगल मूर्ति का, जीवन सदगुरु का जीवन में क्या महत्व है, ये सारी बातें भजन के डायरा के माध्यम से उन सब तक पहुंचाते थे, और दर्शन का बहुत ही अच्छा प्रचार हुआ। और गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे गुरुदेव ने ऐसा मैसेज दिया, ये डायरा इतना अच्छा प्रचार का माध्यम बन रहा है और आप सबका हिंदी का भी उच्चारण बहुत अच्छा है तो इसे गुजरात तक क्यों सीमित रखा, इसे गुजरात के बाहर भी ले जाऊंगा, और ये गुरुदेव की कृपा में गुजरात के बाहर भी जा रहा है सब, तो गुरुदेव को संकल्प देते हैं और समझना न समझना सब हमारे ऊपर रहता है। जैसे अभी पैर जी आए शर्मिला जी आए उन्होंने गुरु शक्ति धाम के निर्माण के बारे में हमको सबको समझाया तो उसका क्या महत्व है, और हम सब तो जानते ही है कोई आके हमको समझाए तभी हमारे समझ में आए ऐसा नहीं है, सब हम समझ कर ही बैठे हैं कि हमारे जीवन में हमारे पूज्य सदगुरु का क्या महत्व है, जीवन सदगुरु का क्या महत्व है। लेकिन कई बार प्रश्न रहता है जो साधक नहीं है उनको कि भाई समाज में तो इतने सारे लोग हैं इतने सारे सदगुरु हैं तो हमारा सदगुरु कौन है ना, गुरुदेव तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं समाज सदगुरु के स्थान से जाके शुद्ध प्रार्थना करने के।
આવી જ રીતે અમારા ગામમાં એક ભૂરો છે, ભૂરો. એ ભૂરાને કોકે મગજમાં એક વાત નાખી દીધી કે ભાઈ તું જ્યારે બી જૂનાગઢની અંદર જા અને જૂનાગઢની અંદર જો તને કોઈ દિગંબર સાધુ મળી જાય, નાગા બાવા મળી જાય અને ભૂરા જો એક અમી દ્રષ્ટિ તારી ઉપર થઈ જાય, ભૂરા તારો મેળો પાર, તારું કલ્યાણ થઈ જાય, જીવનમાં તને આશીર્વાદ પડી જાય, જીવન ધન્ય થઈ જાય. અને અમારા ગામના એ ભૂરાને આ વાત મગજમાં ઉતરી ગઈ. અને જૂનાગઢની અંદર જ્યારે પરિક્રમા હોય છે જૂનાગઢના ગિરનારની, એ સમયે ભૂરો ગયો અને સૌથી પહેલા દામોદર નાવા માટે ગયો. ગિરનારના સાનિધ્યમાં દામોદર છે, એ સોરઠ દરાનો સંતડો ને ચડ્યો ને ગઢે ગિરનાર, નાયો ને દામોદર દેવની, પછી તો એનો એળે ગયો ઉદાર. એ દામોદર નાવા માટે અમારો ભૂરો ગયો ત્યારે એને દામોદરના ઘાટ ઉપર એક દિગંબર નાગા બાવાના દર્શન થયા અને ભૂરાએ એના પગ પકડી લીધા. બાપુ બાપુ આશીર્વાદ આપો, એટલે કે પગ મૂક મારા કે નહીં મૂકું. મને ગામમાંથી કીધું છે કે જો નાગા બાવા દિગંબર સાધુ મળી જાય અને એક અમી દ્રષ્ટિ ભૂરા તારી ઉપર થઈ જાય, તારો બેડો પાર. કઈ ઓલાએ કીધું કે હું નાગા બાવા નથી, દિગંબર નથી, હું તારી જેમાં દામોદરમાં નાવા પડ્યો હતો, હું મારા કપડા લઈ ગયું. બાકી મારું નામ ઘુઘુ છે, ઘુઘુ. હા, એટલે ઘણી વાર સંતની વ્યાખ્યા કરી અઘરી પડે, પછી ઘણી વાર છે ને આ બેનોમાંથી યાત્રામાં ગયા હોય હરિદ્વાર કાશી, ત્યારે મને પૂછતા હોય સંજયભાઈ આપણે કે ગંગાજીની અંદર નાવા પડ્યા હોય તો આપણે આપણું મુખ કઈ બાજુ રાખવું, મોઢું પૂર્વ દિશામાં રખાય, પશ્ચિમમાં રખાય? મેં કીધું જે બાજુ કપડાં કઈ ગયા હોય એ બાજુ રાખવું. હા, ત્યાં કોઈ સંતના દીકરા નથી. એટલે ઘણી વાર જીવનની અંદર જે ગુજરાતીમાં જે આ જોક્સ કીધા ને, પછી તમે હિન્દી વાળો સમજાવી દીધો. એ જગ્યાએ સંત ગાયો, કયો ગાયો? તું નથી ઘડતી ઘાટ ઉતરતી, ચડતી પડતી, આ ખડતી આવે એવું ચડતી, જરા ચડતી, હળતી ફળતી, મદદતી, દિલકારા કરતી, કેટલા ભરતી જાય કરતી, જોરાળી હિરણ હલકારી, જોકન વાળી નથી રૂપાળી નથરાળી. તમારો ઓમેન આવ્યો કે ઇસ્ટમ મિનિંગ ક્યાં હોય? અને હું હલવાનો, મેં કીધું આનું હવે મને હિન્દી કરતા ભાઈ નહીં આવડે. તમે અમારા ગુજરાતી સમાજના કોઈ બોમ્બેમાં રહેતા હો ને એની પાસે ટ્રાન્સલેશન કરાવી દેજો. કારણ કે ઘણું ઘણું ચારણી સાહિત્ય, ગઢવી સાહિત્ય એવું છે કે એનું હિન્દી ન થાય. બનતા પ્રયત્ન હું કરીશ. આજ કે ઇસ ભજન કે હમારા જો દોર હૈ ઉસકો આગે કે વો લે સક ચલતે હૈ, ઓર પિછલે જે ચૈતન્ય મહોત્સવ હમારા દાંડી મેં હુઆ ઉસમેં ભી નમન કી અંદર યહી ભજન કી સમર્પણ ટીમ થી, રામ કાકા ભી હમારે સાથ મેં થે, ઓર બહુત હી અચ્છા ભજન કા કાર્યક્રમ નમન મેં હુઆ થા. ચૈતન્ય મહોત્સવ મેં કિતને લોગ થે યહાં પે, અપના જો પિછલા હુઆ દાંડી કે થે, વાહ સારે, યાને મારે સાક્ષી ની જરૂર નથી, બહુ પુરાવા હાજર છે. તો એ હમારા જો પૂરા સમર્પણ કા કોઈ ભી કાર્યક્રમ સક્સેસ હોતા હૈ, સફળ રહેતા હૈ, ઉસકા એક હી રીઝન હૈ, यदि उस कार्यक्रम के अंदर, उस भजन के अंदर यदि जो सामूहिकता शामिल हो जाए तो गुरु कृपा अनायास बरस पड़ती है. और पहले कभी भी गुरु पूर्णिमा चैतन्य महोत्सव हुआ करते थे तो वो कार्यक्रम पूरा होने के दो या तीन दिन के बाद हमारे गुरुदेव का एक लेटर आता था कि सबका चित खाने में रहता है, कब ये लाइन खत्म हो जाए, कब हमारी खाने की बारी आ जाए. वो नहीं सोचते कि सामने हमारे गुरुदेव भी भूखे बैठे हैं. ये मैं बात तीन चार साल पहले की कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखो साधकों की आध्यात्मिक प्रगति क्या हुई वो मैं बता रहा हूँ. हुई है अभी गुरु पूर्णिमा पिछला जो चैतन्य महोत्सव, वो उसके पहले के चैतन्य महोत्सव में यही हमारी सबकी भजन टीम थी. और हमने देखा 11:30 नमन का प्रोग्राम चालू होता है, 4 बजे तक चलता है, लेकिन साधक पंडाल छोड़ते ही नहीं. हम जब तक हमारा भजन का कार्यक्रम पूरा न हो तब तक साधक भूखे बैठे रहते. देखो तो ये प्रगति नहीं है तो क्या है कि सबका चीज खाने में से निकल गया और गुरुदेव का वो लेटर आना. और स्वामी जी ने बताया बस मैं यही चाहता था कि ऐसे ही नमन होना चाहिए. 3 दिन का जो पूरा कार्यक्रम रहता है उसका सारा जो इम्पोर्टेंस जो समय रहता है वो हमारा नमन का कार्यक्रम रहता है. और अभी साधक की प्रगति हो गई है. और गुरुदेव ने ऐसा बताया था नमन में कि ये लोग जो भजन गा रहे हैं वो कितने भाव से गाते हैं और आप लोग उधर मच्छी मार्केट लगा के बैठे हो, यानी बातें करते रहते, जैसे कहने का मीनिंग था.
और मेरे आशीर्वाद भजन के माध्यम से आप तक तो पहुंच रहे थे, तो हमको लाइट मिली, तो हम गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम बन रहे हैं। क्या बात है, भजन के माध्यम से गुरुदेव के आशीर्वाद जा रहे हैं। सभी साधकों को भी ठीक हुआ कि सब ऐसे गा नहीं रहे, इसके माध्यम से भी यानी हमारे समर्पण का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे भजन हो, चाहे कोई यहाँ खड़ा रह के बोल रहा है, तो पई जी बोले, शर्मिला जी बोले, भजन यानी गाना ही भजन नहीं है। जिस माध्यम से हमारे भीतर हमारे हृदय का समर्पण भाव जागरूक हो जाए तो भजन ही है, गाना ही है, भजन नहीं है। कोई भी निमित्त बनता है, कोई भी माध्यम बनता है। इसलिए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं।
बोलते हैं, डायरा इसको साफी बोलते हैं, भजन इसके बाद शुरू होता है। एक साफी से मेरे को एक साधक का बहुत ही अच्छा अनुभव याद आया। हमारे समर्पण के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, नाम मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये उसने अपनी अनुभूति कहीं पे भी शेयर नहीं की थी, लेकिन मेरे को उसने बताई, बोले मैं आपके भजन में कहीं पे भी आता नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था कि भजन में क्या रहता है, वो सब गाते रहते हैं, कोई मजीरा बजाता रहता है, उसमें क्या रहता है, यानी मेरा पद का ईगो, मेरा पद का अहंकार मुझे वहां जाने नहीं दे रहा था। लेकिन एक बार मैं थोड़ा मेंटली अपसेट था, तो बोले मैं भजन में आ गए आपके, पर आपका भजन मैंने रिकॉर्ड भी किया ऐसा। फिर एक बार मैं घर पे था, और जो आपने अभी जो साखी बोली, गुरुदेव मारा समर्पण नहीं मने कोई हद तो बतावी दे, वो मैंने रिपीट मोड पे डाल दिया, और मैं बार 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 सुन रहा था, और मेरे आंखों में से आंसू निकल गए, मेरे भीतर का भाव जागृत हो गया, समर्पण भाव जागृत हो गया, और मैं ऐसे ही समर्पण भाव से मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, और बोले दूसरी क्षण में स्वामी जी का फोन आया उसको। अब सुनो बात, आप यकीन भी नहीं करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, भजन के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है। वो स्वामी जी का फोन आया और स्वामी जी ने बोले, बताओ क्या बात है। तो बोले कुछ नहीं गुरुदेव, आपको तो देखो हम ऐसे भजन सुन रहे हैं और ऐसे ही हमको स्वामी जी का फोन आया, पहले तो हमको यकीन ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसको ऐसा यकीन ही नहीं है। बोले कुछ नहीं स्वामी जी, अच्छा अच्छा मेरे से गलती से लग गया होगा, उनसे गलती हो सकती है क्या। तो उन्होंने बताया, मैं मेरा अनुभव किसी से शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे और स्वामी जी के बीच के संदेह में आप माध्यम थे, मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं स्वामी जी से जुड़ सकूं, लेकिन आपका भजन आपकी साथी से मेरे भीतर भाव जग गया, और गुरुदेव को पता चल गया, वहां बैठे बैठे वो बोलते हैं ना 24 घंटे मेरा जीत आपके ऊपर रहता है, यानी भजन से हमारे भीतर भाव जगता है, भजन बहुत अच्छा माध्यम है हमारे भीतर का समर्पण का भाव जागृत करने के लिए। समर्थ बोलते हैं, जो कहीं से भी जो गए वो तो गए और वहीं पे अटक गए, लेकिन वो अटका नहीं, वहां से वापस हमारे लिए आया है, उसको समर्थ बोलते हैं। ये चेतन महोत्सव में जो गुरुदेव के चरणों में एक पूर्ण समर्पण भाव से एक भजन समर्पित किया था, आप सब उसमें जुड़ जाइए। वापस हो बंदिया इस जीवन का।
शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सदगुरु की ऐसी कृपा में मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्रकाशित हुआ है कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य अंतिम उद्देश्य मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है। और आज हम सभी आत्माएं सामूहिकता में एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम सभी हमारे इसी जीवन में हमारे उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करते ही रहेंगे। और गुरुचरण में यही प्रार्थना है कि हमारे इस शुद्ध संकल्प को सद्गुरु के आशीर्वाद मिले, सद्गुरु की शक्ति मिले, सद्गुरु की कृपा बरसे कि हमारा इस शुद्ध संकल्प पूर्ण हो और हम सभी इसी जीवन में हमारे मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करते ही रहेंगे। क्योंकि तेरा
एक बड़ा मालकोस में था, जब मीराबाई को ज्यादा कष्ट हुआ समाज के अंदर राणा जी की तरफ से, तब मीराबाई उस सहन नहीं कर पाई और घर बार छोड़ के अघोर जंगल में जाके भगवान कृष्ण की साक्षात मूर्ति सामने रखा और ऐसा नहीं सोचा कि वो मूर्ति है, साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। नहीं तरह अपन ने अत्यंत जल्दी बोलता जी आपने आने फोटो मान ली, पर सभी जगह तो मैं उस दाढ़ी वाले को साथ में लेके कैसे घूम सकता हूँ। हमको ऐसे लगता है कि बस स्वामी जी ऐसे स्टेज पर बैठे हो और ऐसे ऐसे हाथ करते हो तो ही उसको ही चैतन्य देना बोलते हैं, उसको ही एनर्जी, इस शब्द का तो पॉसिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है, अनुभव की बात है। जहाँ कहीं पे भी हमने यहाँ पे हमारे गुरुदेव को इन्विटेशन दिया है तो हम यहाँ पे भजन करने वाले हैं और आपको यहाँ पे आने का समझो बात है। लेकिन अपना क्या है, गुरुदेव बोलते हैं स्थूल पे चित्त रहता है, तो ऐसा चैतन्य महोत्सव गुरु पूर्णिमा का जब नमन होता है वो स्वामी जी ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे करने तो आपको अपना क्या वो माइंड में बैठ गया, तो ऐसे स्वामी जी बैठे हो स्टेज पर और ऐसे ऐसे करे तो उसको ही चैतन्य ब्रेन बोलते हैं ऐसा, लेकिन उसकी उपस्थिति वो आ गए उनको तो पता भी नहीं होना चाहिए एनर्जी पे। वो कौन गा रहे अभी पिछले गुरु पूर्णिमा में उन्होंने बताया वो क्या गा रहे हैं, उधर आप ध्यान ही मत दो, वो जब गा रहे हैं भजन तब अपने भीतर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो, उसके साथ संगीत के साथ भजन के साथ हमारे भीतर कुंडली भी नाच रही है, देखो कहाँ तक पहुंच रही है, कौन से चक्रों पे आगे अटक रही है देखो। भजन सुना हुआ है तो आप उसके पीछे जुड़ सकते हैं, यदि सुना हुआ ना हो आप उसे ताली तो बजा ही सकते हैं ना। एक जगह पे हमारा भजन कैसे प्रोग्राम था, हमने बोला आप सब ताली बजाइए, लेकिन ऐसी कॉलेज की कई लड़की आई हुई थी भजन में तो ऐसे कुछ कर रहे थे ऐसे नागपुर अपना गुजराती में नव कही नव कसवा ऐसे नागपुर घिस रही थी ऐसे सामने पहली कतार में बैठी हुई थी, चालू प्रोग्राम में तो बोल नहीं सकते, तो ये प्रोग्राम पूरा हुआ हमारा भजन का, फिर मैंने उसको पूछा कि बेटे ये क्या कर रहे थे, क्या मजीरा बजा रहे थे नीचे बैठ के, तो मैं इसको बुलाता नहीं ना साथ में आप लोग बजा रहे, तो बोले नहीं अंकल वो क्या है ऐसा वो योगा बोलते इसको, ऐसे ऐसे नाखून खींचते हैं ना तो बाल काले होते हैं और लंबे होते हैं। अच्छा मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है, एक लड़की थी वो नहीं ऐसे खींच रही थी, वो ऐसे उसका जो ड्रेस का दुपट्टा है ना वो ऐसे ऐसे रखा था और ऐसे करके बैठी हुई थी। मैंने पूछा बोला ये नाखून नहीं खींच रही, बोले उसने ज्यादा खींच दिए तो अभी मुझे बाल तो काले और लंबे हो गए लेकिन अभी इतना खींच दिया कि अभी मुझे उगने लगे, अभी ऐसा योगा करने के अच्छा है अपन ताली बजाए वजन में ठीक है। अभी कई तो अपना भय व्यक्त करते हैं, संजय भाई आप कितना भी बोलो ना लेकिन हम ताली नहीं बजाते, मैंने बोला क्यों, पर फिर वो आदत पड़ जाए और दूसरे दिन ऑफिस में बजाते तो ऐसा, और मैंने बोला ताली ताली में फर्क रहता है, तू किसका काम पे फिट कर रहा है, अभी आप 25 साल से भजन कर रहे, हमने तो कभी दिन में ऑफिस में नहीं बजाई ताली, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भजन सुना हुआ हो साथ में जुड़ जाइए और यदि सुना हुआ ना है तो आप ताली बजाइए इसमें जुड़ जाइए। गुरुदेव का आगमन हो चुका है यहाँ पे, तो ये फोटो नहीं है साथ साथ स्वामी जी बैठा है, देखो अपने चित्त में एक बार डाल दो ऐसा, आप ऐसा कल्पना करो जो जो भी चैतन्य महोत्सव में आए हुए थे गुरु पूर्णिमा में आए हुए थे आप आंख बंद करके चलिए हम सब दाली चलते हैं, चित्त से कहीं से भी जाया जा सकता है। वो बोलते हैं ना वो बोले स्वामी विवेकानंद वो फूलों की घाटी में गए थे और बोले मैं वहां सूरत के पास एक गांव में थे, तो मैंने उन पटेल लोगों को बोला चलो मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ, चित्त से कहीं से भी जाया जा सकता है। तो चलिए हम सभी अभी हमारे दांडी आश्रम के जो चैतन्य महोत्सव हुआ उधर चलते हैं, उधर एक सभा मंडल था हमारे सबके लिए, हमारे परम पूज्य वंदनीय पूज्य स्वामी जी वहां सामने स्टेज पर विराजमान थे, जैसे यहाँ पे आपने गुब्बारे रखे हुए हैं जैसे गुब्बारे वहां पे रखे हुए थे, पूरा स्टेज डेकोरेट किया हुआ था,
और ऐसे स्टेज के लेफ्ट साइड में हमारी भजन की बैठी हुई थी और सभी साधक धीरे 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 गुरुदेव के चरणों में नमन के माध्यम से हमारे हृदय का भाव व्यक्त करने आ रहे थे। इधर भजन चल रहा था और गुरुदेव की कृपा उनकी करुणा कैसे बरस रही थी हम सब उसके साक्षी हैं। तो उसी माहौल में जाते हुए आगे का भजन का दौर हम आगे बढ़ाते। मेरे गुरु नाम के हीरे मोती से नवाजा पाते, मेरे गुरु नाम के हीरे मोती मैं कितना मोहती करी ले लो ये
बोलते कोर्स में साथ दिया, कई साधकों ने तालियां बजाई, पर घना बधाए ताली नो पाड़ी तो नो ज पाड़ी हो भाई, कई वांधो नहीं, जेने ताली पाड़ी ने 100 वर्ष ना थाय, जेने ताली नो पाड़ी ने 150 वर्ष ना थाय, आपणा बापु शुं जाय छे 150 वर्ष ना थाय। सभी ने अच्छा साथ दिया, भजन के अंदर हमने बोला कि भजन के अंदर जैसे हम सामूहिकता जुड़ जाती है तो गुरु कृपा तो अनायास ही बरसने लग जाती है। हम ये एहसास करें कि गुरु शक्तियां साथ साथ यहाँ पे विद्यमान है, तो उस भाव के साथ यदि हम भजन करते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं, कोई धुन में जुड़ते हैं, आरती में जुड़ते हैं, तो वो गुरु चरण तक अवश्य पहुंचता ही है, क्योंकि सब सामूहिक प्रयास है। जैसे पहले ऐसा कहा जाता था कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का मार्ग तलवार के धार के ऊपर चलने जैसा है, लेकिन वो एकांती मार्ग के लिए कहा गया था, लेकिन अभी सतगुरु ने वही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को, अनुभूति के मार्ग को सामूहिकता में हमारे लिए सरल बना दिया है। तो ये सामूहिकता में किया हुआ भजन, सामूहिकता में किया हुआ ध्यान, सामूहिकता में की हुई आरती, गुरुदेव के चरणों में हमारा सामूहिक भाव अवश्य पहुंचता ही है, और जैसे ही भाव वहां पर पहुंचता है गुरु कृपा अनायास से बरसने ही लगती है। कई साधकों की कई सारी फरमाइश थी, हमारे महिमा जी व्हाट्सएप पे कई बार फरमाइश हमें भेजती है, और वो भी बहुत अच्छा गाती है, उनका हम अभी वो प्रचलित नहीं हुए लेकिन अच्छा गाती है, ऐसा मैंने सुना होता हो। और कई साधक है जो अच्छा गाते हैं, अभी हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम हुआ था रामदाता, और हमारी ये सब टीम सामूहिकता में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे ये जो बहन बेटी जयश्री बहन, और उनकी एक सिस्टर यहाँ पे, तीन सिस्टर अहमदाबाद में रहती है, और उनके यहाँ एक प्रोग्राम था, उनके मिस्टर अमृत भाई आप सब शायद जानते हैं, बिहार रोड के आचार्य है, हम आज यहाँ उन्हीं के यहाँ पे ठहरे हुए थे सुबह से, तो उनके सिस्टर के यहाँ पे ही प्रोग्राम था, क्योंकि उनके लड़के के यहाँ लड़की का जन्म हुआ, और शिवरात्रि के दिन ही जन्म हुआ, गुरुदेव के आशीर्वाद मिले, नामकरण भी गुरुदेव ने किया, तो उसी खुशी में उन्होंने भजन का प्रोग्राम रखा था। राम काका की टीम आई हुई थी और हमारी भी टीम थी, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और गुरुदेव की कृपा में इतना वहाँ के जो रेसिडेंसी थी, फर्स्ट रेसिडेंसी में प्रोग्राम था, वहाँ के मेंबर भी सभी आए हुए थे भजन में, और बोले ऐसा प्रोग्राम तो हमने भजन का बहुत किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ खास था, आपके प्रोग्राम में हम आए क्या खास था वो पहचान नहीं पाए, लेकिन बोले कुछ खास था उस प्रोग्राम में, कुछ अच्छा लगा विशेष, तो बोलते हैं स्वामी जी पहली अनुभूति हमें अच्छा लगता है ऐसा। अभी कच्छ में भी जो प्रोग्राम हमने किया था, तो कई साधकों ने ऐसा अपना अनुभव बताया कि ऐसे भजन का जब हम अपने सगा संबंधी को बोलते हैं चलो आज यहाँ पे डायरा भजन का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो लोग आते हैं हमारे साथ, वैसे ध्यान में जुड़ने के लिए कई बार कितने सालों से बोल रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे ध्यान में, तो भजन के बाहर आ जाते हैं। तो अभी वहाँ जामनगर में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ के आचार्य थे प्रेमल भाई, उसने बताया मेरा साधक कितने सालों से मैं जुड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ आओ ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भजन डायरा का बहुत बड़ा शौकीन है, तो आपका डायरा रखना जामनगर में थोड़े आ गया डायरा सुनने के लिए, फिर वो बोला जामनगर में कई प्रोग्राम होते हैं डायरा के, मैं एक भी प्रोग्राम नहीं सुनता, बड़े बड़े चार घंटे आते हैं, कलाकार आते हैं, डायरा का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपका जो समर्पण का प्रोग्राम रहा ना उसमें मेरे को कुछ खास लगा, उसमें कुछ खास है, अभी वो क्या खास था वो ढूंढ नहीं सका, लेकिन बोला इसमें कुछ मेरे को अलग लगा, उसमें इतने बड़े कलाकार भी नहीं है आपके समर्पण के, जो राग राग नहीं जानते हो, ऐसे बुलंद आवाज हो गंभीर कैसे, लेकिन कुछ खास था मैं यहाँ से हिल नहीं सका, पर वो बोले इतने सालों से कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन डायरा के माध्यम से मेरा सारा जुड़ गया अभी समर्पण, तो ऐसा एक अच्छा माध्यम हो रहा है। फिर उसने बताया कि हमारा साधक है जो 7 साल से आ रहा है सेंटर पे, काफी उम्र के है, बुजुर्ग है, वो कभी सेंटर पे आप आकर किसी को जय बाबा स्वामी भी नहीं बोलते, ऐसे आते हैं आसन लगाते हैं ध्यान करते हैं चुपचाप चले जाते हैं, हम बोलते हैं किसी से जय बाबा स्वामी बोल दिया करो क्या उसमें, लेकिन नहीं बोलते, बोले वो आपके भजन में ऐसे नाच रहे थे खड़े होके ऐसे झूम रहे थे, तो मेरे को तो ये आश्चर्य लगा, बोले आश्चर्य बोले तो भजन में ऐसा माहौल बन गया कि वो जय बाबा स्वामी नहीं बोलते थे किसी को ऐसे खड़े होके नाच रहे थे, तो मैंने बोला ये सारा किताब सतगुरु की एनर्जी का है, हमने कोई ऐसी बात नहीं है,
हम में तो खड़े होने के भी ताकत नहीं है। जो कुछ भी अच्छा लगता है भजन में तो गुरुदेव की एनर्जी है, गुरुदेव का ही प्रताप है और उनकी कृपा में सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, सभी को अच्छा लगता है और गुरुदेव की ही कृपा है। इसलिए भजन के अंदर भजन का रोल हमारा फरमाइश के हिसाब से लेके कई सालों की फरमाइश थी। संत ने दया
સ્વભાવ દુખી થવાનો થઈ ગયો છે એને તમે ગમે એવો સત્સંગ આપો, ગમે એવા સદગુરુ પાસે લઈ જાઓ, ગમે એવા સમર્પણ ધ્યાનમાં લઈ જાઓ, તો માણસ સ્વભાવ થી દુખી થતો હોય. પણ આ
હકીકત એ એકાનું ભજન ડાયરાનું સંતવાણીનું લઈ અને હું કારણ કે સમર્પણ ધ્યાનની અંદર સમર્પણ ધ્યાનની અંદર જો ભી જુડે હુએ હે તો કભી જાહે તો ડાયરા કા પ્રોગ્રામ હોતા હે સમર્પણ વિવાહ કી બાત કરો વહાં પર હમ લોગ કભી જાતે નહીં હે ડાયરા હો સંતવાણી હો તો હમકો પતા નહીં કે ઉધર ક્યા હોતા હે અભી દાંડી આશ્રમ એક વાર ડાયરા કા પ્રોગ્રામ રખા સ્વામીજી ખુદ ને પૂછે ડાયરા ક્યા હોતા ક્યા હે તો કહો ઉમેશભાઈ ટંડેલ બોલે મેરે કો ભી નહીં પતા ડાયરા હોતા હોતા તો બોલે તું તો પહેલે જા એસે કાર્યક્રમ રખ દિયા તો ફિર ડાયરા કે અંદર સંતવાણી કે અંદર એસે હી જો હમારે ઇતિહાસ કે ભૂતકાળ કે જો ભી સદગુરુ હુએ ઉનકે દ્વારા જો રચિત ભજન હૈ ઉનકો સંતવાણી સંત દ્વારા જો રચિત ભજન હૈ વહી એ ભજન મે ડાયરા મે બોલા જાતા હૈ ક્યોંકિ उस वक्त में प्रचार का कोई माध्यम नहीं था। अभी तो हम शिविर प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन दास सत्तार, कबीर साहब, नरसिंह मेहता, मीरा भाई, ये सब संत उनको अपनी साधना में जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुए, उन्हें समाज तक पहुंचने का एक ही माध्यम था, वो था भजन। दूसरा कोई तरीका नहीं था। उस वक्त सीडी नहीं थी, टेप रिकॉर्डिंग नहीं था, तो अपनी अनुभूति कैसे स्टोर करें, कैसे समाज तक पहुंचाए? तो भजन के माध्यम से, संतवाणी के डायरा के माध्यम से समाज तक अपने अनुभव भजन में लिख दिए, और वही आज हम सब डायरा में, भजन में, संतवाणी में लोगों को बताते हैं कि आज जो समर्पण ध्यान के प्रणेता शिव कृपानंद स्वामी जो बता रहे हैं वो कुछ नई बात नहीं है। हमारे भजन में इससे पहले जो भी सदगुरु समाज में होते गए उन्होंने सारी बातें कही हुई है। कबीर साहब ने जो जो स्वामी जी बताते हैं ध्यान के अंदर अनुभूति, कुंडलिनी शक्ति, अनहद का नाद, वो सब कबीर साहब ने भजन में लिखा हुआ है। उस समय शायद उसके शब्द अलग उसमें लिखे हुए हैं, उस वक्त की भाषा के हिसाब से, लेकिन सारी बातें जो स्वामी जी आज बता रहे हैं वो सभी के भजन के अंदर, संतवाणी के अंदर सभी संतों ने लिखा हुआ है। लेकिन उसका एक अर्थ रहता है, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ नहीं मिलती हम उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते। जैसे मैं भजन तो बचपन से गा रहा हूँ, छोटा था तब से गा रहा था सिर्फ, लेकिन पता नहीं था कि इस भजन में इस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, मेरे को किसी ने समझाया भी नहीं। लेकिन जैसे ही समर्पण ध्यान के साथ जुड़ गया और गुरुदेव की कृपा हुई तो एक एक शब्द के अर्थ मर्म अपने आप समझ में आने लगे। अच्छा, इसकी यही स्वामी जी ने कहा और ये भजन में यही बात, जैसे जेवी रीते अपना सौराष्ट्र में जुनू गजरी भजन विचड़ी ना चमकारे मोतीड़ा परोलियो पानबाई નહીં તો અચાનક અંધારા થશે, હા આવું છે મારે છેલ્લે, પણ આજ સુધી આપણે નાનપણથી સાંભળીએ છીએ વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોળ્યો પાનબાઈ, પાનો અર્થ શું? કારણ કે અર્થ સમજાવવાળા બધા હવરાળા મારા છે, એને જેવા અર્થમાં હિંદુ એવા અર્થમાં આપણને સમજાવે, બરાબર? જયારે આવા કોઈ સમર્થ સદગુરુના શરણે જઈએ ત્યારે અંદરથી પ્રેરણા મળે, સાચો અર્થ સમજાય, કોઈ મોતીની અંદર દોરો ફરવાની વાત નથી કરી, આકાશમાં વીજળી થાય અને દોરો ફરવાની વાત નથી કરી, એક સૌરાષ્ટ્રની કાઠિયાવાડી બાઈએ કડપતી ભાષાની અંદર 52 ભજનોની રચના કરી અને એને કીધું કે શું વીજળીનો ચમકારો અને જીવંત સદગુરુનું સાનિધ્ય। એટલે સ્વામીજી બોલતે ને કે અભી સદગુરુ કા પ્રકાશ હૈ, તો જો પ્રકાશ યે નહીં ચલ સકા વાત યે તો અંધેરા હૈ, અંધેરે મેં ક્યાં ચલેગા। પાણભાઈ ગુંડા સતી ને કહે છે કે સદગુરુનું સાનિધ્ય હોય, જીવંત સદગુરુનો પ્રકાશ જીવનમાં હોય, એ પ્રકાશ ક્યાં? મોતી કહ્યું તો આજ્ઞા ચક્ર છે અને મોતી કીધું છે, એક મોતીની અંદરથી એક દોરો પસાર થાય એટલી જગ્યા હોય એમાં આજ્ઞા ચક્ર રૂપી મોતીની અંદર એક શુદ્ધ અને પવિત્ર આત્મા પસાર થાય એટલી જગ્યા હોય છે। એટલે એને કીધું સદગુરુનો જીવંત સદગુરુનો પ્રકાશ છે, વીજળીનો ચમકારો છે, તો આત્મા રૂપી દોરાને આજ્ઞા ચક્ર રૂપી મોતીમાંથી પસાર કરી લે, નહીતર બાદ લે તો અચાનક અંધારા થશે, જોતરે જોતામાં દિવસો નીતવારે લાગ્યા પાનભાઈ 21,600 પ્રાણ થશે। એટલે હું આપણે જ્યાં શ્વાસ લઈ છીએ ને 24 કલાકના 21,600 શ્વાસ થયા, ખબર હતી આપણું કોઈને? ભાઈ કહી દીધું હોય 1,000 પેલા। આજે અમેરિકા વાળાએ અમેરિકા વાળોને પૃથ્વી સે ચંદ્રમા કિતના દૂર હૈ, કિતના ડિસ્ટન્સ હૈ વો જાનને કે લિયે લાખો ડોલર ખર્ચ કર દિયે, તબ જાકે આજ ઉનકો પતા ચલા કે પૃથ્વી સે ચંદ્રમા ઇતના દૂર હૈ।
लेकिन हमारे संतवाणी में, हमारे भजन में, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कितने सालों पहले भजन में बता दिया, दो लख योजन चंदन पूरी बैठा बैठा बता दी भजन के अंदर से दो लाख योजन जमीन अंदर योजन का मपात આપણે કહે ને રામાયણમાં આવે છે 400 યોજનનો સાગર લાગીને લંકામાં કેમ જાવ એમ કહે છે ત્યારે જમીનનું ડિસ્ટન્સ યોજનમાં ત્યારે ઋષિ મુનિએ ભજનમાં કીધું દો લખી યોજન ચંદર પૂરી તબ હમકો કહેના પડતા હૈ અમેરિકા વાલોને લાખો ડોલર ખર્ચ ના કિયે હોતે તો ત્યાં અમારે ઇન્ડિયા મેં ભારત મેં આ જાતે તો અમારે ઋષિ બતા દેતા કે પૃથ્વી કે ચંદ્રમાં કેટલા દૂર છે આપ મંત્ર સે પતા દે કેટલા દૂર છે લાખો ડોલર ખર્ચ દે તો આપકો આજ પતા ચલ રહે ये विज्ञान ने आज विमान की शोध की हमारे ऋषि मुनि और इससे पहले उसको विमान में घूम देते ये सब शोध हमारे पहले बहुत हो चुकी है तो विज्ञान से हमारा आध्यात्म बहुत आगे है पर भारत तो हमारे धरोहर है अध्यात्म और सभी साधक भजन के अंदर शामिल हो रहे हैं विज्ञान का चैतन्य अनुभव हो रहा है जब आप खींचते हैं ना तभी निकलता है हमारे अंदर से ये सही बात है समर्पण का जो भी प्रोग्राम होता है जैसे जैसे नजर मिलती है ना तो हम जो आता है वो भी भूल जाते एवं मोटा करी बैठा हो जैन आपने ना बाप दादा ने मारा हो ता तो ये ना झूमू तो ये आपके पास ही पैसा मांगता हो आपने रो आपता हो ये रिश्ते हमें आगे बैठा हो तो आवड़ तो ये भूल ही जाइए पर खरे खर बहुत ही अच्छा ऑडियंस है आज का और वे जो खाने हमारे श्रद्धा बहन थे बहुत ही अच्छा वे वो प्रोग्राम को कभी नहीं भूलता पर बड़ा ही उनका भाव था उस वक्त हम गुजरात से दुनिया पहली बार बॉम्बे आए हम कभी आए नहीं थे बॉम्बे तो हमारे जो साधक थे हमारे साथ में भी थे तबला एक तो तबला वाला है नहीं था तो दूसरा था वो बोले संजीव भाई आप देखो पहली बार बॉम्बे जा रहे हो तो वहां के जो कैंची वाले रहते हैं ना वो लूटते घुमा घुमा के ले जाते हैं उसको ऐसे पता चल जाए कि अनजान लोग हैं यहाँ के जाने पहचाने नहीं है तो लूट लेते हैं बोले तो आप हम जैसे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उतरे तो आप ऐसा थोड़ा दिखावा करना कि हम यहाँ के जाने पहचाने वाले लोग हैं हम सब रास्ता दे के हुए तो थोड़ा हिंदी बोल लेना और मैं क्यों हिंदी मन ना कर आज सवार नहीं जाते आज सुबह में हम स्टेशन पे उतरे बाहर करते फिर वो रिक्शा वाला तो आसमा मेजर है कौन मार दियो मेरे बोला मेरे पास वो बैंक का नंबर है नहीं यदि वो बैंक नहीं मिली तो मैं दो बैंक तो तेरे घर जरूर हूँ दाल साल बना दे तो पिछली बार थाने में आए तो हमारे एक तबला आदर था बोला आप थोड़ा हिंदी बोल लेना तो उसको लगे ना बॉम्बे के हो तो मैंने बोला भाई रेवा दे तू हिंदी तो साढ़ो नौ गए तू थोड़ी हिंदी बोलू ते मैंने जबो बोले बस से हो गई दे तो मायने नहीं हम जैसे वो टैक्सी में बैठे तो वो बोला वो भाई आगे से वाणा कही ले हिंदी जो ही होता पर फिर ने थामला है ना वहां ऊपर रखते अब आपके ने सही है ऐसी रिक्शा और जो रिक्शे वाला तो कुछ बोला नहीं जैसे हम यहाँ पे रुकना था रुके हम सभी नीचे उतरे तो टैक्सी वाला बहुत जोर से हंसने लग गया हमारे सामने देखते हुए क्या दांत काटता है मेरे को क्या दांत काटता है क्योंकि तब संजय भाई ने हमें जो कि आदि के तब राज भाई तब दांडी आश्रम में शिवरात्रि में चैतन्य महोत्सव में भजन करवा और उनके जय बाबा स्वामी अरे मैं कि तू लिखे हूँ सूरत तो है वो सूरत तो तबे के हूँ हिंदी ना दिखला दिया जो तो बैठी हमें अंदर कुछ कुछ अंदर ही यहाँ पर जानता है अरे बेटी तू तारे वो रेलवे स्टेशन में कहीं जो काम है सभा ऊपर से वो बड़ी भी होता है यार की हिंदी निकली अरे के हिंदी ना दिख रहा था तो हमने बताए बोल खुश हुई कि अरे कई बार क्या ऐसे अनुभव आपके जीवन के रहे तो वही जोश बन जाते हैं आनंद कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है आनंद तो सभी जगह पर बिखरा पड़ा है पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए ना
कि जैसे स्वामी जी बोलते हमारे चित्त में जो रहता है तो वही हमारे आसपास आना शुरू हो जाता है। यदि चित्त में गलत आदमी को बिठा दिया तो फिर वैसे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो आज भजन के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको भी और बहन ने भी परमिशन दे दी है कि आप चलाइए, टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से सब दूर दूर से आए हुए हैं, डिस्टेंस से आए हुए हैं। इसीलिए अभी चैतन्य महोत्सव में पूज्य गुरुदेव की भी बहुत ही कृपा इस भजन में बरसी थी, ऐसा भजन में सुनाने वाला हूँ और सभी जगहों में ये प्रचलित भजन हो गया है और गुरु कृपा में गुरुदेव की प्रेरणा से मेरे माध्यम से गुरुदेव ने लिखवाया ऐसा भजन है चैतन्य महोत्सव के बाद। लेकिन आप सब मेरे वडिल हैं, मेरे माता पिता के समान हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, आदेश नहीं दे सकता, लेकिन दो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे इस हॉल में हम जितने बैठे हैं उतने ही यहाँ पे प्रोग्राम में नहीं है, गुरुदेव की कृपा में अभी ये प्रोग्राम ऑनलाइन यहाँ से हो रहा है, सभी जगह में सभी साधक देख रहे हैं ये प्रोग्राम। पहुंच नहीं पाए हैं गुजरात में, गुजरात के बाहर से वो सब हमको ऑनलाइन यहाँ पे प्रोग्राम हमारा देख रहा है जो चैतन्य जो एनर्जी बह रही है उसका जस्ट सिर्फ हम लोगों को नहीं है, उन लोगों को भी है, क्योंकि वो भी इससे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कृपा है अभी ऐसा प्रयास है थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद शायद जैसे स्वामी जी का प्रवचन अभी यूट्यूब पे आ रहा है, जैसे हमारा डायरेक्ट प्रोग्राम भी यूट्यूब पे शायद आने लग जाएगा। गुरुदेव की कृपा में बहुत ऐसा अभी जैसे जूनागढ़ में भक्त कभी नरसिंह मेहता हो गए, जिन्होंने आज से कितने सालों पहले एक भजन लिखा था हमारी हुंडी ने स्वीकारो महाराज ने सांभळा हिरदारी, हवे घणा बधा ने खबर न होय पण ई समये एक शहर माथी बीजा शहर मां रुपिया मोकलवा माटे हुंडी लखावामां आवती, त्यारे बीजा शहर मां ई हुंडी लखी बतावे तो ये रुपिया ने आपी देता। गुरुदेव की कृपा में आज वर्षो पछी मारा मां जेम स्वामी जे भजन नी रचना करी मारी हुंडी ने स्वीकारो महाराज बाबा स्वामी बावली आपण मारे पण पैसा नी हुंडी नथी लखी, हुंडी कहता आपणी शुद्ध आत्मा एक नाना बाळक मांगी, अने
ऐसा कहते हैं कि सतगुरु के सानिध्य में, गुरुदेव के दरबार में अगर हमें कुछ पाना है तो छोटे बच्चे बनते हैं, अपनी उम्र, अपना पोस्ट, अपना जो कुछ भी हो गेट के बाहर छोड़ दो, छोटे बच्चे बनकर आओ। आप किस उम्र के हैं तो यही बात के फिर से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस भजन के अंदर सब खड़े हो जाए। बस मेरी प्रार्थना है, आपका आदेश नहीं है मेरा, सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाए भजन के लिए, और सभी को इस भजन के अंदर नाचना है, गाना है, झूमना है। एक छोटा बच्चा हो जाना है, अपनी उम्र भूल जाए। अगर आप 7 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, इस भजन के अंदर हमें सामूहिकता में जुड़ जाना है। आप सभी इस भजन के अंदर भूल जाए।
उसकी सास का संग। अब ना हमसे ये ना ना करने ले आप आचार द्वारा किसी बेनों के लिए नहीं है, आपको अपनी अथवा अपनी मुनि गुरुजन के चरणों में समर्पित नहीं करनी है क्या? अपने ऊपर कोई झुका दीजिए, इसलिए सब एक बार छोटे बच्चे बन जाइए। गुरुदेव के दरबार में यदि हमको कुछ प्राप्त करके जाना है तो छोटा बच्चा बनना पड़ता है, बिना को भी नाचना पड़ा था कृष्ण के लिए, तभी जाके कृष्ण को भी आज से प्रसाद लेके नाचना पड़ा था, तभी परमात्मा की प्राप्ति हुई। जो भूल गए थे वो मेवाड़ की महारानी थी बीरा, अपना पद अपना राजघराना सब भूल गए, तो प्रभु के दरबार में मस्त होके नाच रहे थे। दरबार में बीरा नाच से तुम्हारा छोटा बच्चा बनके गुरुवर के दरबार में अपने आसपास की मुनि उपस्थित करेंगे। Oh,
धन्यवाद।